ऋतिक रोशन की फाइटर के बाद साउथ फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में साउथ एक्टर वरुण तेज और बॉलीवुड एक्ट्रेस मानुषी लीड रोल में आएंगे नजर। 1 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। फिल्म को शक्ति प्रताप सिंह ने डायरेक्ट किया है। दुबई में हुए सेलिब्रिटी क्रिकेटर लीग के 10वें सीजन में शामिल हुए सलमान खान, खिलाड़ियों से भी की मुलाकात। अपनी माँ सलमा और बहन के बच्चों को लुटाया अपना प्यार। सोशल मीडिया पर सलमान के वीडियो हुए वायरल। प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 की रिलीज डेट का हुआ खुलासा। 9 मई को रिलीज होगी साइंस फिक्शन फिल्म। प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण, कमल हसन और अमिताभ बच्चन अहम रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म 600 करोड़ रुपए के बजट में बनाई जा रही है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म डॉन 3 में कियारा आडवाणी एक्शन अंदाज में नजर आएंगी। कियारा ने इंटरव्यू में बताया कि वो पहली बार किसी फिल्म में एक्शन सीक्वेंस करने वाली हैं, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। 12वीं फेल एक्टर विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। अभिनेता की पत्नी शीतल ठाकुर ने 7 फरवरी को बच्चे को जन्म दिया है। वहीं अब 16 दिन बाद कपल ने अपने लाडले बेटे की पहली झलक दुनिया को दिखाई है। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर ने अपने बेटे का नाम वरदान रखा है। खबर है कि सलमान खान की आने वाली सालों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें द बुल, दबंग 4, शेर खान, बब्बर शेर जैसी फिल्में दिखाई देंगी। वहीं वो कबीर खान के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। संजय लीला भंसाली का नाम हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर में शुमार है। 24 फरवरी को अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी फिल्मों से खास पहचान बनाई है और कई स्टार्स को इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनाया है। बिग बॉस 17 में किसी भी कंटेस्टेंट से ज्यादा विक्की जैन की मां रंजना जैन फेमस हो चुकी हैं। उन्होंने शो पर आकर जो बवाल मचाया था उसे कोई भूल नहीं पाया है। वहीं अब खबर ये है कि विक्की जैन की मां बिग बॉस OTT सीजन 3 का हिस्सा बनेंगी। बिग बॉस 15 फेम प्रतीक सहजपाल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर को मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया है और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने 20 फरवरी को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अपूर्व के साथ शादी रचाई है। वहीं शादी से पहले ही उनकी प्रेगनेंसी की चर्चा तेज है। इस पर दिव्या ने रिएक्शन देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। हर वक्त बकवास करने की जरूरत नहीं होती भाई।